नमस्कार सर, नमस्कार। सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है आज के सवाल। तो आज हम अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ आपसे एक संवाद करेंगे अपने सवाल के साथ। श्रोताओं को बता दूं मैं कि आज हम जिनसे मुखातिब होने जा रहे हैं वो राजकुमार जी जैन साहब हैं, बूंदी में निवास करते हैं और पिछली दो पीढ़ियों से लगातार गांधीवादी हैं। गांधीवादी से मतलब यह है कि गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए उनके साहित्य को समझते हुए अपनी जीवन शैली भी उन्होंने गांधी जी के विचारों पर ही आधारित कर बना रखी। आपके पिता भी गांधी दर्शन और गांधी विचारधारा के रहे और आपका पुत्र भी गांधी विचारधारा के। तो जैन साहब, आपसे आज सीधा सवाल यह है जी, कि गांधी जी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं जी। गांधी जी मूलतः राजनीतिक नहीं थे, ये तो अपन मानते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में, तात्कालिक राजनीति में उनका बड़ा कद और बड़ा दखल देखा जाता रहा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं हमारे श्रोताओं के साथ कि क्या गांधी का जो भी योगदान रहा वो कितना अर्थपूर्ण रहा हमारी देश की राजनीति में, क्योंकि उनको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं आईना साफ हो और आप अपने विचार इस पर साझा कर लें। जैन साहब, हाँ, इसमें ऐसा है कि गांधी जी को, गांधी जी की अगर राजनीति को हम अगर देखें और राजनीति शब्द को जो वर्तमान में प्रचलन में है, तब तो मैं ये कहूंगा कि गांधी जी की राजनीति में और वर्तमान के हमारे जो राजनेता हैं इनकी राजनीति में कोई समानता नहीं। गांधी जी की राजनीति का मतलब ये नहीं था कि प्रतिद्वंदी के प्रति किसी तरह का द्वेषता का भाव भी आए। गांधी जी की राजनीति कभी भी चुनाव पर आधारित नहीं। उनके कार्य कुछ ऐसे होते थे, दुश्मन उनका कोई नहीं था, प्रतिद्वंदी से भी वो वैसा ही प्रेम करते थे और अपनी उपयोगिता को साबित कर वो लीडर बनते थे। आज की तारीख में अगर उसी राजनीतिक शब्द को हम कहेंगे तो वो तो मतलब गांधी जी के टाइम पे राजनीति जो थी या राजनीति शब्द का जो अर्थ था वो अब बिल्कुल बदल गया। अब गांधी जी के बारे में जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, मैं मोटे मोटे रूप में इतना सा कहूंगा उन सब व्यक्तियों को कि इसकी अगर जांच करनी हो तो क्या तरीका, क्या बेरोमीटर का। गांधी जी के समकालीन जो कुछ बहुत ही विद्वान प्रकृति के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने गांधी जी को जिंदा चलते फिरते देखा, जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया, वो गांधी जी के बारे में क्या विचार रखते थे, यही एक बेरोमीटर हम बना सकते हैं। आज अगर किसी को भ्रांति है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नोबल साहित्य का प्राइज भी मिला था, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा कि निसंदेह गांधी जी भी जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध और महावीर की तरह अपने समय में आदमियों को सुधारने में सफल न हुए, फिर भी आने वाली पीढ़ियां गांधी जी को उन्हीं की श्रेणी में रखकर याद करेगी। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे एक महान व्यक्ति ने जीवित गांधी के लिए ऐसा कहा था,
उनका कंपेरिजन या उनको उस श्रेणी में रखा था। दूसरे ही एक महान पुरुष और है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। इतने विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने के बावजूद जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपके जीवन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि को मैं पूछना चाहूं तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तुरंत ही जवाब दिया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा गांधी जी के समकालीन पैदा होना, गांधी जी के चरणों में बैठकर मैं उनसे वार्ता कर सका, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। उसी समय के एक महान वैज्ञानिक जो भारतीय नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में क्या कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचकर अचंभित होगी कि इस तरह का पतला दुबला हाड़ मांस का एक पुतला इस पृथ्वी पे चला होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को पुनर्जीवित कर अपने जीवन में अपना कर उस तरह का काम किया जैसा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम देकर कहा। मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैं ये मानता हूं, ऐसा आइंस्टीन ने कहा गांधी जी के लिए कि न्यूटन से भी अगर अधिक कोई उपयोगी सिद्धांत दिया है तो वो महात्मा गांधी ने दिया है। ये उन व्यक्तियों के लिए मैंने संक्षेप में बताया है जो गांधी जी के बारे में विभिन्न भ्रांतियां लेकर चल रहे हैं, ये उनके समय के लिविंग लेजेंड थे। है कि देखिए, विरोध तो वो भी करते थे, क्योंकि चाहे सत्याग्रह हो चाहे अहिंसा हो। जी, मतलब आपका अभिप्राय ये है कि गांधी जी भी विरोध तो करते थे। राजनीति बेसिकली तो विरोध की नीति होती है न, किसी से उनकी किसी मामले में जो उनका जो हस्तक्षेप था, जी क्या वो सिर्फ विरोध के लिए था? नहीं, उनका विरोध की प्रश्न आप कर रहे हैं कि गांधी जी ने भी विरोध किया, किसी से असहमति होना विरोध नहीं होता है, विरोध है उसके प्रति द्वेषता का भाव आना। गांधी जी अपने किसी भी तरह के किसी भी प्रतिद्वंदी से, पहले तो वो किसी को प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं, और अगर उनके विचारों से कोई सहमत नहीं भी होते थे, नहीं भी होता था, तो वो उसके प्रति किसी भी तरह का द्वेषता का भाव उनमें नहीं आता। जो वर्तमान राजनीति में जैसा आता है कि एक दूसरे की हमें अच्छा ही नहीं दिखती, गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। गांधी जी का तो कहना यहाँ तक था कि निसंदेह आज अंग्रेज यहाँ पर हम पर हुकूमत करते हैं, पर मेरा किसी भी अंग्रेज से किसी भी प्रकार का कोई द्वेषता का व्यवहार नहीं। हाँ, मैं अपने तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर इस तरह से शासन करना गलत, परंतु गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति भी किसी तरह का द्वेषता का भाव नहीं रहता था कभी। ये उनकी राजनीति की एक सर्वोपरि उच्चता थी। मेरा प्रश्न था जी कि आज तो राजनीति के नाम पर विरोध के लिए विरोध हो रहा है, और गांधी जी की जो प्रवृत्ति थी वहां विरोध तो था, लेकिन किसी ऐसे विरोध के लिए नहीं था जो अतार्किक हो। का जो तरीका था वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं था। तो उनका विरोध को आप किस श्रेणी में रखेंगे? अब हम गांधी जी के विरोध को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी की जो वास्तविक सोच थी वो किस तरह की थी। अब मैं एक दो उदाहरण देके इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि गांधी जी जब 1904 में दक्षिणी अफ्रीका गए, तो कुछ जैसे ही वो जहाज से उतरे तो कुछ अंग्रेज युवकों ने उनका विरोध किया, उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की, परंतु गांधी जी ने कोई विरोध नहीं किया। जब वो मारते रहे तो उधर से कोई अंग्रेज लेडी निकल रही थी और उसने गांधी जी को बचाया और फिर वो गांधी जी को पुलिस थाने में लेके।
पुलिस थाने में पुलिस इंचार्ज जो थे उन्होंने गांधी जी से पूछा कि क्या आप उन लड़कों को पहचानते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि हाँ पहचानता हूँ, पर जब वो मुझे मार रहे थे तब भी मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया था, इसलिए अब मैं उनका कानून के द्वारा भी कोई विरोध नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैंने कोई सजा उन्हें न दी, और कानून से भी मैं उन्हें कोई सजा नहीं दिलाना चाहता। यहाँ पे गांधी एंड फिलोसॉफी का मर्म समझने का प्रयास करें कि गांधी जी का ऐसा सोच था कि यदि ये लड़के मुझे मार रहे हैं तो कुछ सोच के ही मार रहे होंगे, अपने पक्ष को मजबूत मानते हुए ही मेरे को मार रहे होंगे। जब इन्हें सच्चाई का पता लगेगा कि मैं इस तरह का व्यवहार कुछ करके नहीं आया, तो ये अपने आप माफी मांगेंगे मुझे, नंबर एक। नंबर दो, इसी तरह से अंग्रेजों के मामले में भी उनका यही सोच, वो बहुधा ये कहा करते थे, जैसा कि 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको श्रीमती एनी बिसेंट ने एक कन्वोकेशन के अंदर आमंत्रित किया था, तब तीसरे दिन उन्हें बोलने को कहा गया, तब गांधी जी ने एक बात कही कि मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि छात्रों को उन्हें संबोधित करना था, कि मेरे प्रिय छात्रों मुझे आजादी की उतनी चिंता नहीं है, अगर मैं मेरे देशवासियों में से कुछ अंधविश्वासों कुरीतियों को अगर हटा पाऊं तो आजादी तो हमें एक के बदले एक फ्री मिल ही जाएगी। वो उस समय भी उनका किसी से विरोध नहीं था, वो तो अस्पृश्यता या और भी जो अन्य अन्य कुरीतियां थी उनका कहना यह था कि अगर ये मिट गई तो देश वैसे ही आजाद हो जाए, क्योंकि मात्र 20,000 अंग्रेज, जैसा कि हम मानते हैं उस समय के डेटा के अनुसार, मात्र 20,000 अंग्रेज 35 करोड़ भारतीयों को गुलाम नहीं बना सकते अगर भारतीय गुलाम बनने से मना कर, बल्कि 20,000 सैनिक मिलके 20,000 अंग्रेज मिलके एक हिंदुस्तानी को भी गुलाम नहीं बना सकते यदि वो गुलाम बनने से मना कर। गांधी जी का इस तरह का सोच था। यह सामने आती है कि हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि गांधी मूल रूप से राजनीतिक नहीं थे, उनका सारा रास्ता अलग था, एक अंग्रेज, लेकिन फिर हमारे और अंग्रेजी सरकार ने उनके उस कद का राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर किया, क्या व्यवस्था थी उनकी कि उनको राजनीति निर्णयों में, देश की आजादी के निर्णयों में उनका दखल रखा गया पूरे कद के साथ। ये कौन से मजबूरी के प्रसंग थे जहां उनको इस तरह मजबूर होना पड़ा कि गांधी की उपस्थिति उन्हें जरूरी लगी, ये बड़ा प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। का जो उत्तर है उस पे जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं अब जी, उस पर बहुत ही गहन चिंतन वाले व्यक्ति इसको समझ पाएंगे। हमें हमारा इतिहास ये बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अंग्रेज, जब अगर ब्रिटेन के अंदर हम देखेंगे तो वहां के बच्चों को वो ये इतिहास नहीं पढ़ाते, वो हमको यहाँ पे लिटरेट करने, हमको सुधारने आए थे एक, और इस सुधार की प्रक्रिया में जब उन्होंने देखा कि गांधी जैसा एक व्यक्ति हिंदुस्तान में है जो हमारी बात को समझता है, और इसका मैं एक दो उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने आमिर खान की एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में क्रिकेट मैच होता है, उस क्रिकेट मैच में जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी भी थे और भारतीय राजा महाराजा भी थे,
तो जब भी भारतीय टीम कोई छक्का या चौका मारती थी तो बड़े सामान्य सरल व्यवहार के साथ अंग्रेज अधिकारी भी तालियां बजाते थे और भारत के जो उस समय के राजा महाराजा वहां बैठे हुए थे वो भी ताली बजाते। परंतु जब अंग्रेज उनकी टीम किसी को कैच करती थी या छक्का मारती थी तो उस समय अंग्रेज अधिकारी तो तालियां बजाते थे, परंतु जो भारतीय व्यक्ति बैठे थे वो उस समय तालियां नहीं बजाते। अभिप्राय क्या निकला कि अंग्रेजों ने खेल को खेल की भावना से देखा, नंबर एक। नंबर दो, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड में नरसंहार कांड किया, मैंने उसकी पैरवी को देखा कि वहां के जजों ने क्या प्रश्न किए। उन प्रश्नों की जब हम तह तक जाते हैं तो हमें ऐसा आभास अंदर से होता है कि अंग्रेज काफी सिविलाइज्ड थे और मानव प्रेमी भी थे। जनरल डायर से कुछ जो इस तरह के प्रश्न किए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जज ने जनरल डायर से पूछा कि आपको पता था कि जब जिस तरह से आप गोलियां चला रहे हो यहाँ बहुत से लोग घायल होंगे, क्या आपने एम्बुलेंसेस और कोई मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की? जनरल डायर का जवाब था, नहीं की। दूसरा प्रश्न जज ने किया कि जब आप इस तरह का कांड कर रहे थे आपको पता था कि वहां बच्चे भी हैं जो इतनी ऊंची दीवार पर नहीं चढ़ सकते, तो आपने उनकी व्यवस्था के लिए, उनके सुरक्षा के लिए क्या किया? तो जनरल डायर ने कहा कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। इस तरह के प्रश्न जो जनरल डायर से किए गए कि आपने मानवता को बिल्कुल ही सूली पे चढ़ा दिया, तो जनरल डायर ने कहा कि मैं उस समय बिल्कुल पागलपन के चरम सीमा पे था। तब तो जज ने उनको ये कहा कि नहीं, जो इस तरह का आपने कृत्य किया है उसकी हम उसकी आपको सजा मिलेगी और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और पूरा ब्रिटिश संसद में उस समय पास हुआ ये बात कि जनरल डायर ने जो कुछ किया इससे ब्रिटिश सरकार सहमत नहीं है। तो ये जो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई इससे ये स्पष्ट होता है कि ये उस प्रश्न का जवाब है कि क्यों वो गांधी जी को साथ रखते थे। एक्चुअल में हमको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें तो ये था कि अंग्रेजों ने बहुत अन्याय किया, ये किया, वो किया, ये किया, इस तरह का कुछ भी नहीं है हकीकत में। और गांधी जी इस बात को जानते थे, वो तो यहाँ की जो हमारी कुरूतियां थी, हमारी जो कमियां थी, हमारी जो इलिटरेसी थी उस समय उसको दूर करने का उनका प्रयास था। और कोई इंडिया में नहीं किया उन्होंने ऐसा, पूरे विश्व में किया है। जनरल रीडिंग जो उस समय बीच में शायद 1932 के लगभग वायस राय थे, तो उनके लड़के ने अपने पापा मतलब जनरल इस रीडिंग से ये प्रश्न, ये रिक्वेस्ट किया था कि पापा आप एक बार जो इंडिया में महात्मा गांधी हैं उनको बुलाकर उनसे थोड़ा वार्तालाप करें। तो जनरल रीडिंग वाइस राय रीडिंग ने अपने बेटे को पत्र में लिखा कि हाँ, मैं महात्मा गांधी को अपने वाइस राय निवास पर बुलाऊंगा। वायस राय रीडिंग ने अपने बेटे को पत्र में लिखा कि जब गांधी वायस राय महल में प्रवेश कर रहे थे तो मुझे कुछ अजीब सा या आश्चर्यजनक कोई बात नहीं लगी। एक साधारण सा व्यक्ति सामान्य लंगोटी के अंदर लकड़ी के साथ वायस राय से जब गांधी जी मिले तो लॉर्ड रीडिंग ने अपने बेटे को पत्र में लिखा कि जब वो मेरे सामने बैठे थे और मेरा उनसे जब आई कांटेक्ट हुआ तब मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। और जो शब्द उन्होंने लिखे उस समय के वाइस राय जिनसे कि हम ये मानते हैं कि उन्होंने हमको गुलाम बना रखा है, गांधी जी के बारे में उनके व्यूज थे कि आई वॉज एबल टू सी वॉट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन। ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है ये इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना प्योर है, ही इज हैविंग सच टाइप ऑफ प्यूरिटी
कि मैं इसके दिमाग में चल रहे सारे विचारों को पढ़ पा रहा हूं, ऐसा मुझे पहली बार अनुभव में आया। मैंने धार्मिक पुस्तकों में जीसस क्राइस्ट के बारे में ऐसा पढ़ा था कि उनके संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता था तो उनके आभा मंडल में वो सारी चीजें उनको दिखती थी, ऐसा मुझे गांधी जी के बारे में लगा। ऐसा लॉर्ड रीडिंग ने अपने बेटे को, जो उस समय लंदन में था, उसको लिखा, और इसका सारा जो विवरण है लॉर्ड रीडिंग के बेटे ने उनकी बायोग्राफी में लिखा। जब माउंटबेटन से आजादी के समय ये पूछा गया, जब देश आजाद हो चुका था और ये पहले गवर्नर बनाए गए थे यहाँ पे, तो उनसे इंटरव्यू में जब ये पूछा कि अगर दो लाइन में हम आपसे पूछें, पत्रकारों ने पूछा कि आपका गांधी जी के बारे में क्या विचार, मतलब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे कि अंग्रेज जो शासक थे वो गांधी जी के बारे में क्या सोचते। ठीक है, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन से गांधी जी के बारे में पूछा कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, गांधी जी के बारे में अगर दो लाइन या दो शब्द बोलना हो तो क्या बोलेंगे, और साथ में ये पूछा कि वर्तमान के राजनीति जगत में अगर इनके इनको कंपेरिजन करना हो मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन, तो आप किससे कंपेयर करेंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब था कि डोंट डू दिस मिस्टेक टू कंपेयर दिस पर्सन टू एनी कंटेम्प्रेरी पर्सन विद इन 200 or 300 ईयर्स इन अ पोलिटिकल फील्ड। राजनीति के क्षेत्र में तो इनके स्टेचर का कोई व्यक्ति है ही नहीं। अगर वास्तव में आप गांधी जी को कंपेयर करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू गो बैक बिफोर द सेंचुरीज, जब जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इस तरह के व्यक्ति हुए थे, वो भी राजनीति के क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। अगर आपको इस व्यक्ति को कंपेयर करना हो तो उन व्यक्तियों के साथ इनको कंपेयर करना पड़ेगा। ये व्यूज थे अंतिम जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी तरह से जी, मेरा प्रश्न यही है कि चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो और वो ये भी तय था कि आप जाएंगे देश छोड़ के, और अपने यहाँ के जो उस समय के तात्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे, उन दोनों को ही गांधी की उपस्थिति की इतनी अहमियत क्यों महसूस हुई, क्या वो किस लाभ से देख रहे थे इनको, तो गांधी जी का तो कोई लाभ था नहीं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गांधी बिना किसी लाभ उनके, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, गांधीयन फिलोसॉफी के मर्म को समझने का प्रयास करें हम, कि ब्रिटिशर्स जो थे, अब मैं इसको थोड़ा दूसरे पहलू से समझाने का प्रयास करता हूँ कि ब्रिटिशर्स जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं सारे के सारे, उनका ऐसा मानना था महात्मा गांधी को देखने के पहले कि द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट प्रैक्टिकल। उनका ऐसा मानना था कि जीसस क्राइस्ट ने जो जिंदगी जी है वो आज की तारीख में प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब वैसा जीवन हम नहीं जी सकते। और जब गांधी को उन्होंने देखा, गांधी के जीवन को देखा, तो वहां के जो आर्क बिशप और वेटिकन सिटी के पोप पायस, जो उस समय धार्मिक नेता थे, इनके बहुत बड़े, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या व्यूज कहा, उन्होंने गांधी जी के लिए कहा कि ही इज मोस्ट क्राइस्ट लाइक पर्सन। जैसा कि हम मानते थे कि वर्तमान में जीसस क्राइस्ट को जीना बहुत मुश्किल है, गांधी जी ने क्रिश्चियन न होते हुए वैसा जीवन जी के दिखा दिया। इससे हमको ऐसी आशा जगी है कि बिना किसी सुपर नेचुरल पावर के, जिसको अपन हिंदी में कह सकते कि बिना किसी देवीय शक्ति के भी इस तरह का जीवन जिया जा सकता है। तो अंग्रेजों के दिमाग में गांधी जी का ये एक स्ट्रेचर बैठा था,
इसी तरह की एक घटना मैं और बताऊं आपको, दक्षिण अफ्रीका में जनरल इस्मत हुआ करते थे उस समय जब गांधी जी वहां विरोध करते थे। तो एक बार जब गांधी जी जेल में थे तो इन्होंने जनरल इस्मत के लिए चप्पल बनाई, क्योंकि वहां सभी कैदियों को काम करना पड़ता था, तो इन्होंने चप्पल बनाई। और जब वो वहां से जा रहे थे, जब जेल से निकले, तो उन्होंने जनरल इस्मत को वो चप्पल भेंट। जब इस बाबत वहां के पत्रकारों ने, जब जनरल इस्मत रिटायर हो चुके थे एक्शन में, जब उनसे ये पूछा गया कि गांधी ने आपको जो चप्पल भेंट की वो कभी आपने पहनी क्या, तब जनरल इस्मत के क्या व्यूज थे कि निसंदेह में जब तक वहां का शासक रहा दक्षिण अफ्रीका में, तब तक मैं, और गांधी जी जब तक रहे तब तक मैं गांधी जी से बहुत परेशान था, गांधी जी ने मेरे नाक में दम कर रखा था, फिर भी जो प्रश्न आपने किया है कि क्या मैं वो चप्पल पहन पाया कि नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है या मेरा जो अंतःकरण है इस बात को तैयार नहीं था कि मैं गांधी जैसे पवित्र आदमी ने जो मेरे को भेंट की है, भले ही वो चप्पल ही भेंट की है, मैं उन्हें पहनूं, मैं उनको अपने सिर पे रख के चलता। एक्चुअली दैट वाज द व्यूज ऑफ जनरल इस्मत, जिसने पहले ये भी कहा कि हाँ गांधी ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि गांधी के सत्याग्रह से इनका जो तरीका था स्वयं को कष्ट देकर सामने वाले को अपनी बात जो वाजिब मांगे उसको मनवाना, तो अंग्रेजों ने गांधी जी के इस व्यक्तित्व को भली भांति पहचाना। और इसीलिए आज भी अगर 1984 के अंदर जो उनका सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, गांधी जी की ही प्रतिमा को अनवेल किया गया, जिसमें हमारे जो उस समय के वित्त मंत्री थे या न्याय मंत्री थे जेटली साहब, ये गए थे वहां पे। तो हम गांधी को नहीं समझ पाए, पर अंग्रेजों ने जरूर गांधी को समझा, मेरा कहने का अभिप्राय। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जहां पे अंग्रेजों ने इस तरह की बात कही है। एक बार इसी तरह से लंदन के बहुत बड़े आर्क बिशप गांधी जी से मिलने आए, तो चूंकि उनका एक पहनावा होता है टोपी वगैरह लंबा सूट वगैरह, और उनको काफी अभिमान था क्योंकि उनके प्रवचनों में हजारों लाखों की भीड़ आती आर्क बिशप। जब वो गांधी जी से मिलने आए तब भी वो अभिमान नहीं आए उनके, जब गांधी जी के पीए से पूछा कि कहाँ मिल सकते हैं, तो जैसे ही जब गांधी जी के कमरे में उन्होंने प्रवेश किया तो आर्क बिशप ने जब देखा एक पतला दुबला आदमी लंगोटी में अर्ध नग्न अवस्था में एक पाटे पे बैठ के कुछ कर रहा है, और जैसे ही उनका आई कॉन्टेक्ट हुआ तो वो आर्क बिशप बहुत द्रवित हुआ, और उसने आगे लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उस समय मैं जो एक बहुत बड़ा धर्म गुरु मानता था अपने आप को, गांधी जी से आई कॉन्टेक्ट होने के बाद मुझे अपने पर बहुत शर्म आई, मुझे मेरे पहनावे पे शर्म आई। तो ये वहां के धार्मिक नेता की बात। इसी तरह से एक उदाहरण और है, गोलमेज सम्मेलन के समय जब गांधी जी 84 दिन तक ब्रिटेन में रहे थे, तो इसी दौरान वो वहां पर कुछ जो प्रमुख व्यक्ति थे उनसे भी मिले थे, जिनमें एक है बर्नार्ड शॉ, चार्ली चैपलिन और उस समय के जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने उन्हें चाय पे बुलाया। तो गांधी जी जब ब्रिटेन में थे तो उनका पहनावा वही था जो हिंदुस्तान में वो पहनते थे, एक लंगोटी और ऊपर एक शॉल डाल लेते थे कभी कभी। तो जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आप बकिंगम पैलेस जाएंगे, तो गांधी जी ने कहा हाँ मुझे आमंत्रित किया है, 26 तारीख का समय था उस समय, यहां मैं जाऊंगा। तो क्या आप इसी तरह से जाएंगे? तो गांधी जी ने कहा हाँ इसी तरह से जाऊंगा। कि आपको पता है महल में प्रवेश करने का एक प्रोटोकॉल काम करता है, और जो उस समय की महारानी थी उनके सामने आप इसी अर्ध नग्न अवस्था में जाएंगे। गांधी जी का कहना यह था कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और ये जानते हुए ही आमंत्रित किया है कि मेरी वेशभूषा ये है। तब पत्रकारों ने उस समय
बताते हैं कि काफी उनकी खिल्ली भी उड़ाई थी, पर वो दिन जब आया और वो बकिंघम पैलेस में गए तो प्रोटोकॉल के अनुसार जब वो प्रवेश कर रहे थे तो जॉर्ज पंचम के जो अधिकारी थे वो उनको अंदर तक हॉल तक लेके गए, और जहां महारानी और जॉर्ज पंचम बैठे हुए थे उनके साथ उन्होंने चाय पी, और जब वो जाने लगे उनके बीच जो चर्चा हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद जब वो जाने लगे तो जॉर्ज पंचम ने पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, ऐसा उस समय का मुझे अनुमान है कि उस समय 158 देशों पे इनका राज था, छोटी बड़ी कंट्रीज मिला के 158 देशों पे जिसका शासन हो, वो व्यक्ति गांधी जी को गेट तक छोड़ने आया। और जब पत्रकारों ने वापस गांधी जी से पूछा कि आपका कैसा अनुभव रहा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न आप जॉर्ज पंचम से करें। वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जॉर्ज पंचम ने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा कि उनके कपड़े देखकर हमें ये बुरा नहीं लगा, हमें ग्लानि का भाव आया कि उन्होंने वास्तव में जितना पहनना चाहिए उतना पहन रखा था, हमने आवश्यकता से अधिक पहन रखा। अब आप देखें गांधी जी का स्ट्रक्चर, गांधी जी की फिलोसॉफी इस तरह की। क्या जैन साहब जी अपनी वार्ता को इस तरह सरल करके कहा जा सकता है जी कि गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे या जो उनके संग उनकी जीवन शैली से सहमत थे या उनको स्वीकारने की कोशिश में लगे थे, वो समुदाय जो था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो इतना बड़ा औरा था, जिसे आप औरा कह सकते हैं, उसका इतना बड़ा स्पान था कि उसका भी कहीं कोई दबाव तो रहा होगा जब राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे थे, तो उस औरे का इतना दबाव था कि इतना जन समुदाय इस आदमी से के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी उपस्थिति होना भी बहुत प्रासंगिक है। क्या ऐसा हम समझ सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें इतना सा मैं कहूंगा इस प्रश्न के जवाब में कि लुई फिशर जो एक उस समय के बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने राष्ट्राध्यक्षों की जीवनी लिखा करते थे, ठीक है, उन्होंने गांधी जी पे की बायोग्राफी लिखी है, द गांधी एंड हिज टाइम्स, जो अभी वनस्थली विद्यापीठ जैसे संस्थानों में कोर्स में है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कोर्स में भी है, ये बुक वनस्थली विद्यापीठ में भी है। जब उनसे ये पूछा, वो उन्होंने अवीक विद गांधी में अलग से लिखा है कि जब मैं गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रह रहा था, 3 दिन के बाद मैं बड़ा अचंभित था, ऐसा लुई फिशर ने लिखा कि 3 दिन बाद मैं बड़ा अचंभित था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ पे नल का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, टेलीफोन सुविधा तो होने का मतलब ही नहीं है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि आज पूरा विश्व समुदाय इनका फॉलोवर बना हुआ है। साथ में उसने ये भी लिखा कि जब मैं मुसोलिनी का इंटरव्यू लेने गया था, तो जो जाने का रास्ता हुआ करता था मुसोलिनी तक पहुंचने का, वो इतना डरावना सा होता था कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी डर जाए। मतलब वो जो कॉरिडोर बनाते हैं ये इस तरह के मुसोलिनी वगैरह, वो डर जाए व्यक्ति। इसी तरह से ये हिटलर से भी मिला था, और हिटलर से मिलते वक्त भी इनका कहना यह था कि मेरी बोलती बंद हो गई। परंतु वो व्यक्ति लेनिन के लिए भी लिखा इन्होंने, लुई फिशर ने, पर जब 3 दिन गांधी जी के साथ रहने के बाद ये नहीं समझ पाए, तो इन्होंने इनके साथी जो गांधी जी के साथी थे महादेव देसाई, उनसे पूछा कि भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस छोटे से व्यक्ति में, जहां तक मेरा मानना है कि जिसको मैं खूबसूरत भी नहीं कह सकता, जिसे न मैं वैज्ञानिक की श्रेणी में रख सकता, न किसी शासनाध्यक्ष की श्रेणी में रख सकता,
मैं किसी आर्टिस्ट की श्रेणी में रख सकता हूं। मतलब मेरे को इनमें आज के प्रचलित संसार की जो खूबियां मानी जाती है, जैसे मुसोलिनी, लेनिन और भी जो रूजवेल्ट, ये उस समय के जो व्यक्ति थे प्रमुख, या वो जो ब्रिटेन में था चर्चिल, इन जैसा एक भी प्रभाव उत्पादक इनमें गुण मेरे को नजर नहीं आता। फिर भी ऐसा क्या कारण है महादेव भाई कि आज पूरा विश्व इनकी बात को मान रहा? तब एक बहुत महत्वपूर्ण बात महादेव देसाई ने कही थी कि गांधी जी बिकम सो प्योर, क्योंकि इंग्लिश में कहा, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं उसको, कि गांधी जी बिकम सो प्योर दैट इज पेशेंस सब्लिमेटेड इनटू द हेयर इनटू द बॉडी विच हेयर्स। मतलब इनके जो समस्त भाव हैं वो पवित्रता के कारण, इनके जो भाव हैं, सब्लिमेशन का मतलब होता है केमिकल प्रक्रिया होती है जिसमें नॉर्मली जो ठोस होता है वो द्रव्य रूप में आके फिर गैस में कन्वर्ट होता है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो जैसे कपूर है वो द्रव्य में न आकर और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन। तो उन्होंने सब्लिमेशन शब्द काम में लिया कि गांधी जी के जो पेशेंस मतलब जो भाव हैं इनके पूरे शरीर में व्याप्त हो गए। और जब किसी व्यक्ति में इस तरह के भाव व्याप्त हो जाते हैं तो उससे अथाह ऊर्जा का संचार होता है। मतलब जो कोई व्यक्ति उनके सामने आएगा वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, ऐसा उनका आभा मंडल काम करेगा। ये आभा मंडल शब्द सामान्यतया राम कृष्ण, और चूंकि मैं जैन हूं तो महावीर भगवान के पीछे भी हम मानते हैं कि एक आभा मंडल काम करता था। तो जो जो कोई व्यक्ति, कोई जीव, व्यक्ति नहीं, जो भी लिविंग बीइंग है, अगर कुत्ता भी है, बकरी भी है, चींटी भी है, अगर वो उस आभा मंडल के सामने जाएगी तो वो अपने आप को बड़ा निर्मल अनुभव करे। तो गांधी जी के बारे में ये जब महादेव देसाई ने कहा कि इनके तो जो पूरे भाव हैं वो सब्लिमेट हो चुके हैं, इसलिए अब ये इतने प्योर, इतनी प्योरिटी है कि अब इनसे कोई इनका सामना नहीं कर सकता, ये इनकी खास बात। परंतु हम अगर ये सोचे कि गांधी जी ने इसका कोई दुरुपयोग किया हो, नहीं, गांधी जी ने इसका कतई दुरुपयोग नहीं। गांधी जी का जो तरीका था कि जैसे एक उदाहरण के द्वारा और समझने का प्रयास करती हूँ कि गांधी जी के आश्रम में 77 व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, तो एक दिन किसी लड़के से कुछ गलती हो गई, गांधी जी के नोटिस में ये बात आई कि अगर किसी लड़के से कोई गलती हुई, गांधी जी ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा। अपने यहाँ अभी भी परंपरा है और उस समय भी एक परंपरा थी, अनादि काल से एक परंपरा चली आ रही है कि अगर कोई गलती करता है तो हमारा मानस पटल में ऐसा अंकित हुआ रखा है कि जब तक हम उसे सजा नहीं देंगे वो नहीं सुधरेगा। आज भी है, अनादि काल से चला। गांधी जी ने इसके पलट काम किया। जब उस लड़के का उनको पता लगा कि इससे कोई अपराध हुआ है, गांधी जी ने उससे कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन नाश्ते का त्याग किया। फिर लंच का जब समय आया तो उस समय उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो आश्रमवासी समझ गए कि किसी ने किसी से कोई गलती हुई है, इसका मतलब तो पता लगा कि इस लड़के से गलती हुई। जब उस लड़के को पता लगा कि आज मेरी वजह से बापू ने न नाश्ता किया है और न खाना खाया है, और हो सकता है कि अब शाम का भोजन भी वो न करे, वो लड़का इतना द्रवित हुआ कि तुरंत गांधी जी के कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा कि बापू मुझसे गलती हो गई। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, खुश रहो, जाओ। गांधी जी का सुधारने का तरीका ये। और ब्रिटिशर्स में एक कहावत है सर कि थ्रू फोर्स एंड विद द फियर ऑफ पनिशमेंट वी कैन नेवर रिफॉर्म द पीपल्स। मतलब बल प्रयोग से या सजा के डर से हम कभी भी सामने वाले को नहीं सुधार सकते, ऐसा नियम। परंतु ये एक साधारण सा नियम गांधी जी को समझ में आ गया और हमारी पीढ़ी जो आज भी चल रही है
हम इसे नहीं समझ पाए, हमारी सरकारें भी इसे नहीं समझ पाए। आज भी हम क्या करते हैं, आई फॉर एन आई की बात करते हैं, टिट फॉर टेट की बात करते हैं, वॉयलेंस अगेंस्ट वॉयलेंस की बात करते हैं। जबकि गांधी जी जिसे गुरु मानते थे, एक तरह से लियो टॉल्स्टॉय है, उन्होंने यही कहा था कि टिट फॉर टेट को भूलना पड़ेगा, वॉयलेंस अगेंस्ट वॉयलेंस शेल ओनली मल्टीप्लाई द वर्ल्ड, आई फॉर एन आई शेल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी के ये इस तरह की सिद्धांत थे और उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट भी किया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। इसलिए गांधी का सामने कोई विरोध, अब जो कोई गांधी का अभी विरोध करते हैं, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि अगर वर्तमान में हमको कोई लगता है कि ये गांधी का विरोध कर रहा है, तो हम उससे प्रेम से पूछे कि क्या वास्तव में तेने गांधी को पढ़ा क्या। मेरे से भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप सच बताओ, व्हाट्सएप की थ्योरी से मैं नहीं मानता, क्योंकि एक सिंपल गांधी की जो लुई फिशर की लिखी किताब है गांधी एंड हिज टाइम्स और उनकी ऑटोबायोग्राफी को अगर कोई ढंग से पढ़ ले, मेरा मानना यह है कि 90% व्यक्ति तो उनका विरोध कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें विरोध करने जैसा कुछ था ही नहीं है। परंतु अभी जो बातें चलती है वो एक के पीछे एक चलती है, और इसके पीछे भी एक कारण कि भारतीय संस्कृति में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है साहब, वो प्रॉब्लम ये रही है कि जहां हम अहिंसा की बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये करते हैं कि यार राम ने भी तो रावण को मारा था, महाभारत का युद्ध भी तो हुआ था। जब गांधी जी से लुई फिशर ने अपने इंटरव्यू में पूछा कि महाभारत के बारे में आपका क्या विचार, यहां तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं हे शत्रु क्षत्रिय है और तेरा युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तो गांधी जी आप तो गीता को मां मानते हो, आपका क्या कहना है। तब गांधी जी ने क्या कहा, और ये मेरे पास लिखा हुआ है, गांधी जी ने जो गीता का वो लिखा है उसके प्रीफेस में लिखा है कि मैं ये नहीं मानता कि महाभारत जैसा भी कोई युद्ध हुआ है, और जैसा चित्रण श्री कृष्ण का हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, इनकी लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है, गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि वास्तव में श्री कृष्ण ऐसे थे, मैं उन्हें भगवान मानने से मना करता हूं, साफ मना किया उन्होंने। और साथ में ये भी लिखा कि वेद ऐसा युद्ध तो हुआ ही नहीं, परंतु साथ में एक चीज और लिखी कि अच्छा होता कि वेदव्यास ने ऐसी कल्पना भी न की होती, ऐसी कल्पना करने के कारण आज हमारा हिंदुस्तान पिछड़ रहा है, और जब पूरे विश्व में जैसा क्रिश्चियन लोग कहते हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि वन डे द किंगडम ऑफ गॉड हैज टू कम ऑन अर्थ, एक दिन राम राज्य की स्थापना इसी भूमि पे होगी, इसी भूमि से मतलब पूरे पृथ्वी पर, तो उसमें ये रामायण और महाभारत ये युद्ध की जो भावना है जिसको हमने गलत तरीके से लिया है, सिविलाइजेशन के इस दौड़ में भारत सबसे पीछे होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी के व्यूज हैं। जिस तरह से हिंसा को यहां हमने समस्याओं के निदान में एक प्रमुख कारण मान रखा है, ये बिल्कुल गलत है। आज के लिए मैं जय जगत, जय जगत, नमस्कार।